नमस्कार किरण सी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाथू का रायता। आइए देखते हैं बाथू का रायता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। लाल मिर्च, बारीक कटी हरी मिर्च, नमक और बाथू। बाथू को ऐसे साफ धो करके उबाल लें और उसको मिक्सी कर लें और दही। डोंगा ले लें, उसमें सबसे पहले दही डालें। दही को अच्छी तरीके से फेंट लें। अभी दही हमारा हो चुका है, अब हम इसमें बाथू डालेंगे। बाथू को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें दही में, अच्छी तरीके से फेंट लें। फेंट लें अच्छी तरीके से ताकि दही और बाथू अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा। अभी दही और बाथू मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच लाल मिर्च और नमक स्वादानुसार डालें। उसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। अभी हमारा बाथू का रायता बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बाथू का रायता बनकर बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें निकाल लेंगे इसको। रायता बनकर तैयार है, अब आप इसे पराठे के साथ ले सकते हैं, चाहे तो चावल के साथ भी ले सकते हैं। नाश्ते में लें, लंच में लें या डिनर में, कभी भी आप रायता ले सकते हैं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और अपना अनुभव किरण्स रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।